नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। डीसी रूपनगर प्रीति यादव लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं और इस दौरान ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुनने के साथ साथ उन समस्याओं को दूर करने के आदेश भी अधिकारियों को जारी किए जा रहे हैं। तो वहीं सतलुज दरिया किनारे बसे गांवों के ग्रामीणों को सचेत रहने की भी अपील की जा रही है। इस मौके पर सतलुज दरिया के किनारे बसे गांवों के ग्रामीणों और जिला रूपनगर निवासियों के नाम संदेश में डीसी रूपनगर ने कहा कि राहत की बात है कि भाखड़ा डैम के जलस्तर में काफी गिरावट आई है और सतलुज दरिया के पानी में भी बहाव कम हुआ है और जितना पानी जिला रूपनगर निवासियों ने बीते एक महीने के दौरान देखा उम्मीद से कहीं अधिक था, जिससे लोगों का काफी नुकसान भी हुआ है। उन्होंने लोगों से सतलुज दरिया के तटों के निकट ना जाने की अपील करते हुए कहा कि 22 नोडल अधिकारी 22 प्रभावित गांवों के ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात रहे। इसके अलावा फील्ड कर्मचारी, एनडीआरएफ की टीमें, समाजसेवी संगठन, पुलिस और सेना के जवान भी राहत कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। उन्होंने जिला भर के लोगों को इस कठिन घड़ी में सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया। क्या कहा इस मौके पर डीसी रूपनगर प्रीति यादव ने, आप भी सुने। सारे रूपनगर वासियां नाल एक इंफॉर्मेशन मैं साझा करना चाहवांगी कि जी साडे डैम दा जिहड़ा लेवल हैगा ओह काफी सेफ लिमिट च आ गया हैगा ते जिहड़ा साडा पानी दा फ्लो भी हैगा ओह भी काफी स्टेबलाइज्ड है। जिन्ने भी विलेजेस साडे कट ऑफ होए सीगे उत्थे इलैक्ट्रिसिटी, पानी ते राशन साडा रेगुलर चल रहा हैगा, मेडिकल कैंप्स भी चल रहे हैगे ते तुहाडा साडे नाल साथ देण वास्ते मैं बहुत बहुत धन्नवाद करना चाहुंदी हां कि तुसीं इस घड़ी च साडे नाल आए। नाल ही नाल आपां नूं पैनिक करन दी कोई लोड़ नहीं है, अफवाहां ते ध्यान ना दिओ, परंतु जिथे भी साडे ब्रिजेस हैगे, कनाल ते लगदे इलाके हैगे, नदियां दे कंडे ते जिहड़े लोकी बैठे हैगे, इहो जिहे इलाके च तुहानूं पता हैगा कि आपां एक महीने च बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड वाटर दा लेवल देखिया हैगा ते काफी थावां ते खार भी पै गई, अबटमेंट दे थल्ले दे मिट्टी खिसक गई या सड़क जिहड़ी सड़कां हैगियां कनाल साइड उत्थे भी इशूज हैगे। तां आपां किसी भी इहो जिहे जगह ते ना खड़े ते उत्थे खड़ के सैल्फी लेना, फोटो लेना या उत्थे एक तरीके दा आपां इकट्ठ ना करिए, बिकॉज किसी भी पल किसी भी इदां दी घटना ना हो वापर सके वापर जान जिहदे करके आपां नूं अगे इशूज भी आन। तां मेरी सारिआं नूं इक्को ही बेनती हैगी कि आपां आप भी सुरक्षित रहिए ते जिहड़े कम चल रहे रीइनफोर्समेंट दे, इस बहिंदे पानी च भी, हाई फ्लो च भी साडे क्रेट्स दे कम चलदे पए हैगे, उहदे च भी तुहाडे सपोर्ट दी मैं बेनती करदी हां। तां जिथे भी तुहाडे कोल कोई इनफॉर्मेशन आंदी हैगी जी पानी ने रूट बदल के किसी आबादी वाले इलाके च खार पैनी शुरू हो गई या पानी ने कोई रूट तब्दीली कीती है तां उह तुसीं साडे ध्यान च लाओ ते इहदे नाल ही नाल जिहड़े नदी दे कंडियां ते पिंड वसे हुए हैं उत्थे अलर्ट रहो ते थोड़ा भी तुहानूं पानी लगदा हैगा तां साडे रिलीफ सेंटर स्थापित हैगे, तुसीं उहनां उत्थे जाके रह सकदे हो या कोई भी तुहानूं दिक्कत दा सामना आंदा है तां तुसीं डायरेक्टली साडे नाल राबता कर सकदे हो। इहदे नाल ही नाल जिन्ने भी पिंड अफेक्टेड हैगे उत्थे असीं 24 घंटे अपने सीनियर अधिकारी भी लाए हैगे ते नाल ही नाल फील्ड स्टाफ भी डिप्यूट कीता हैगा, तां चाहे कोई एमरजेंसी हो, मेडिकल हो या अदरवाइज किसी भी मुढली सहूलत दी तुहानूं लोड़ हो तां तुसीं इहनां नाल राबता कर सकदे हो। ते मैं उम्मीद करदी हां कि आपां बड़े टेस्टिंग टाइम्स देखे हैगे ते किसी भी जान जानी या किसी तरीके दे आपां इस दौरान अपना नुकसान होण तों बचाव होया है तां इहदे नाल ही आपां रल मिल के इदां ही कम करदे रहिए ते आने वाले टाइम विच जो भी अपना डैमेजेस हुए हैं उहदी रेस्टोरेशन ते बाकी स्थिति नूं आपां नॉर्मलाइज करिए। सड़ी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। होटल मेहरा प्लाजा स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर फुली एसी हॉल। शनिवार एवं रविवार को बफे की व्यवस्था, पेट भर खाना मात्र 150 रुपए, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी व जन्मदिन मनाने के लिए विशेष व्यवस्था।
होटल मेहरा प्लाजा रेस्टोरेंट एसी हॉल 15 DR फर्स्ट फ्लोर मेन मार्केट नगर टाउनशिप। कॉन्टैक्ट नंबर 9417194770।